आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। देश की जीडीपी 11 साल के निचले स्तर तक पहुंच चुकी है और इकोनॉमी में 2009 की मंदी जैसा माहौल हो गया है। कोरोना महासंकट के दौर में विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों में भारी गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2019-2020 की चौथी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गिरकर 3.1% पर आ गया, जो तीसरी तिमाही में 4.1% था। इसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2020 के जीडीपी की बात करें तो वो गिरकर 4.2% पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2019 में 6.1% था। ये आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार 29 मई को जारी किए गए। माना जा रहा है कि वृद्धि दर के आंकड़ों पर कोविड-19 संकट का प्रभाव भी पड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक देश की जीडीपी यानी विकास दर 3.09% रही। तब देश की जीडीपी के इन आंकड़ों पर वैश्विक मंदी का साया था। अब एक बार फिर 11 साल बाद देश की जीडीपी करीब उसी स्तर पर जा पहुंची है। अर्थशास्त्री विवेक कौल के अनुसार ये पिछली 25 तिमाहियों में सबसे धीमा तिमाही विकास रहा और ये मोदी सरकार के दौर के दौरान की सबसे कम वृद्धि है। उनका ये भी कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार की रफ्तार में सुस्ती जरूर आई है, लेकिन इसे मंदी नहीं कहेंगे। वो कहते हैं, मंदी या रिसेशन का मतलब लगातार दो तिमाही में नकारात्मक विकास है, और अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ की इकोनॉमी में सुस्ती जरूर आई है, लेकिन इसे नेगेटिव ग्रोथ नहीं हो सकता। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार जून में खत्म होने वाली साल की पहली तिमाही के विकास दर में गिरावट से ये मतलब नहीं निकलता है कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई है। और फिर भारत में धीमी गति से विकास के कई कारण हैं, जिनमें दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती भी एक बड़ा कारण है। उनका कहना है कि वित्त मंत्री ने बीते हफ्ते कई कदमों का ऐलान किया, जिसका सकारात्मक असर निवेशकों और ग्राहकों के मूड पर पड़ेगा। हम त्योहारों के सीजन में प्रवेश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि दूसरी तिमाही तक विकास दर में वृद्धि नजर आएगी। अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।